एनर्जी अभी यही ले रहा है लगातार पिछले 2-3 महीने से। मैं इसी पे काम कर रहा हूं लगातार 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 करके। ग्रोथ क्या है देखिए इसे एक बार इसकी। वेल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज टू 10,550 करोड़ इन अप्रैल 2015। कब से? मार्च 2014 में कितना था? 2154 करोड़ था, यानी 2000 करोड़ था। एक साल बाद कितना हो गया? 10,000 करोड़। कितने टाइम बढ़ा? 5 times ग्रोथ किया इसने। इसके ग्रोथ करने से दूसरी चीज जो है कि मोबाइल यूजर हो गए कि साहब 2 करोड़ हो गए, 5 करोड़ हो गए, नए कहां से आएंगे? ग्रेट स्लो होगी। ये जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर ये 20,000 करोड़ देगा और बढ़ेगा, ये 30,000 करोड़ होगा और इनकम होगी। यानी इसके बढ़ने से इनकम होती है, इसके घटने से नहीं। तो ये जितना बड़ा मार्केट बनेगा उतना हमको बेनिफिट होगा, हमारे लोगों को जितना बड़ा बनेगा। 240 बैंकों को ये क्या करेगा? हमारी पॉकेट में डाल देगा मनी ट्रांसफर जब आएगा। कितने बैंकों को? 240। कोई विद्वान आदमी 20 बैंकों का नाम बता सकता है क्या? यानी दुनिया के जितने भी बैंक हैं उसका 90% बैंकों को आप रिमिटेंस कर पाएंगे इस सिस्टम के थ्रू। रेमिटेंस हम क्यों करें? हमने कोई बेगारी ले रखी है किसी की? बहुत पैसा आने वाला है इसके अंदर। करेंगे? केवाईसी होगा, लेकिन केवाईसी का पेन हमारे लीडर्स को लेना पड़ेगा, केवाईसी कराना पड़ेगा, क्योंकि ये आरबीआई के निर्देशन में चलता है और आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट रूप में केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। आपकी भी केवाईसी होगी और हमारा जो नया कस्टमर आके जो ट्रांसफर करेगा उसकी भी केवाईसी होगी, लेकिन वो बहुत सिंपल होगी जो आके करेगा उसकी। लेकिन हमारी केवाईसी हमको कंपनी लेवल पे करानी होगी। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है, मैंने बोला 6-7 times हमारे रिटेलर का और 3-4 times हमारे लीडर्स की इनकम बढ़ने वाली है इस सिस्टम से। इसका सेकंड पार्ट दोस्तों ये है कि इसमें 162 बैंक्स ऐसे हैं जिस पे आईएमपीएस सिस्टम काम करेगा, यानी इधर से पैसा कटा और उधर अगले के खाते में इंस्टेंट पे जाएगा, यानी विद इन सेकंड आगे वाले के अकाउंट में पैसा होगा जिसको भेज रहे हैं 162 बैंक में। बाकी में एनईएफटी है, अगर सेम डे है तो 3-4 घंटे में, और सैटरडे संडे है तो वो मंडे में जाएगा करके। क्लियर है? तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर हम लोगों का बहुत सारा बिजनेस ग्रोथ करने वाला। लेकिन कब ग्रोथ करेगा? जब हमारी टीम होगी तभी तो करेगा। इसमें ओवरराइडिंग कमीशन भी होगा। क्यों कंजूसी कर रहे हैं? ताली तो बजाइए, मिलने वाला है, है? मैं ये सारी चीजें 5 साल बाद क्यों दिखा रहा हूं आपको? मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि हमने सोचा था ये कुआं खाली हो गया, उसमें से हमने आधा गिलास भी पानी नहीं पिया है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कुआं तो पूरा भरा हुआ ही है, बल्कि उसमें और रिचार्ज हो गया है वो आके। इतना बड़ा सिस्टम है जिसको कि हम लोग आज एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हमारे इस एंटीना को खोल के हमको ब्रॉड सोचने की जरूरत है। जैसे नसीम जी मेरे को बोल रहे थे, सर बीएमडब्ल्यू से ऊपर कुछ करना पड़ेगा। वो अपने हित में ब्रॉड सोच रहे हैं। अगर जरूरत होगी तो वहां भी ब्रॉड सोचेंगे। अपने दरवाजे तो कभी बंद नहीं होते, खुले ही रहते हैं, क्योंकि अपन तो दिल से बात करते हैं और सबके साथ डांस करते हैं, तो वो यहां पे सुकड़ा हुआ नहीं है, खुला है एकदम से। आगे बढ़ते हैं। इस सेक्टर में कुछ और सेक्टर हैं, इसमें एक इंश्योरेंस सेक्टर है। तालियां मत बजाना भैया, अभी लेके नहीं आ रहे हैं, रुक जाइए। मैं ये सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूं। बस तो हमने चालू कर दिया है और वेस्ट बंगाल वालों का वो ऊपर बल्ब जो जला हुआ है। कासिम जी ने कुछ मेरे को एक इनपुट दिया है, मैं देखता हूँ जाके अगर उसमें कुछ चालू हो गया होगा, क्योंकि हमने पहले ट्राई किया था, वो सिर्फ जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू एक होता है उसमें चालू किया था। हमारी जैसी जो कंपनियां हैं जिसको B2B सिस्टम बोलते हैं, उसमें वो लोग नहीं देते थे। अब मुझे उसको स्टडी करना पड़ेगा, दूसरा चला देगा तो हम तो चला ही चला देंगे।
इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। मेरे को हैरानी यह है कि हम क्यों नहीं चला पाए, अगर उन्होंने किसी ने चलाया, किसी का बताया उन्होंने करके, तो वो सिस्टम देखना पड़ेगा कहीं बैंकिंग सिस्टम तो नहीं है। बैंकिंग सिस्टम तो वॉलेट है, वो अलग चीज है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दाढ़ी वाला आदमी जानते हैं क्या आप लोग? जानते हैं? जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते हैं? हाथ खड़ा करिए तो, ईमानदारी से कितने लोग नहीं जानते हैं? हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड, इसको बोलते हैं ऑनेस्टी, यह है ईमानदारी। दोस्तों, इस आदमी का नाम स्टीव जॉब्स है, इस दुनिया में नहीं है ये। अब एप्पल कंपनी जानते हैं आप लोग? एप्पल कंपनी सुना है, आईफोन सुना है, वो सारा जो फोन की जो दुनिया जो बदली है उसका नाम स्टीव जॉब्स है। आपका एंड्रॉयड जो सिस्टम है ये भी एप्पल के आईफोन को कंपटीशन देने के लिए निकल के आया है। आज इंडिया में एंड्रॉयड ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में आईफोन की बहुत क्रेज है। उस व्यक्ति ने जनरेट किया बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, इतनी विपरीत परिस्थितियां कि उसको खाना खाने के लिए भी घर नहीं था उसका, वो गुरुद्वारे में जाके खाना खाता था। उस व्यक्ति ने एक जो कोटेशन बोला वो मेरे को बार बार अपील करता है, बार बार करता है, और हजारों कोटेशन है लेकिन ये मेरे को बार बार अपील करता है। क्या बोला? Deciding what not to do is